हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। इस वाले वीडियो में हम 11th मार्च से 17th मार्च तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट देखिए, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट। दूसरा फैक्ट देखिए, पीएम मोदी ने हाल ही में दो स्कीम्स के अंदर कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स का इनॉग्रेशन किया है। कौन सी स्कीम है पहले देखिए, प्रसाद स्कीम, उसमें अमरकंटक में कुछ इनिशिएटिव्स, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, और पीतम्बरा पीठ दतिया में, और दूसरी स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में ग्वालियर और चित्रकूट में कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो जगह हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के जो सीएम है अभी, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा में के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर पिलग्रिमेज स्टार्ट किए। तो रूट याद करना है हमें। तो पहला रूट है हमारा जबलपुर से चित्रकूट, दूसरा रूट है हमारा इंदौर से उज्जैन यानी कि महाकालेश्वर और ममलेश्वर ओंकारेश्वर, है ना। तीसरा रूट है हमारा ग्वालियर से रामराजा टेम्पल ओरछा और पीथामरा पीठ दतिया। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। अब हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में एक एक्सरसाइज न्यूज में थी, भारत शक्ति। तो इस एक्सरसाइज का एम क्या था? इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड जो भी डिफेंस वेपन्स हैं उनका प्रदर्शन किया था यहाँ पर। तो उसको नाम दिया गया भारत शक्ति, नाम याद रखेंगे। फिर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में अगर पढ़ते होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर काफी चर्चा चल रही है अभी। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। तो उन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है। किसको किया है? अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत की, द्रौपदी मुर्मू जी को। और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में ही बात कही है। नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। अब मुझे आप गांव का नाम बताएंगे कि कौन से ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे कि अहिल्याबाई का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भी रहा है ना, स्पेसिफिक बात करें तो इंदौर और महेश्वर से। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर एक प्रोग्राम बहुत न्यूज में रहा है अभी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था, कीर्ति प्रोग्राम। कीर्ति का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये एम करता है 9 से 18 वर्ष के बच्चों का, इनके अंदर जो भी खेल की प्रतिभा है उसको पहचानने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसको आप लोग देख लेना, ताकि ये लोग नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स वाली फील्ड में आगे जा सके। फिर अगला फैक्ट है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जी को नए इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया है चुनाव आयुक्त। तो आप मुझे आर्टिकल बताएंगे, भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, मुंबई ने हाल ही में विदर्भ को हराकर अपना 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता। इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि रणजी ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं, जो कि मिशन दिव्यास्त्र के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है, उसका सफल परीक्षण किया गया कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म, एमआईआरवी का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो एक ऐसी मिसाइल जो कि मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करने की क्षमता रखती है, जो कि डिफरेंट टारगेट्स को एम करने में सक्षम है। ठीक है, डिफरेंट टारगेट्स को एम करने में सक्षम है, या आम भाषा में अगर मैं इसकी बात करूं। ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट का यूज करके पढ़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर हम बात करते हैं हरियाणा के नए सीएम के बारे में। इसको अपॉइंट किया गया नायब सिंह सैनी को 11th सीएम के रूप में। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। तो भारत ने हाल ही में EFTA के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। EFTA का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है? EEPA,
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईएफटीए में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो चार यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो इन कंट्री की लोकेशन जरूर आप लोग एक बार वर्ल्ड मैप पर देख लेना। तो नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इंटरनेशनल थिंक टैंक है SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया वॉज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड बिटवीन 2019 एंड 2023। इंपॉर्टेंट डे फैक्ट। तो अगला फैक्ट देखिए, हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है, जो कि किसके अंतर्गत आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत, जिसका इस बार नाम दिया गया ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। इसमें भारत की रैंकिंग है 134, एक रैंकिंग का इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर लास्ट रैंकिंग की बात करें, लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी तब 135th नंबर पे था इंडिया, और इस बार 134th है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि इसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशंस कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से डायमेंशंस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट न्यूज में था गेलेफू, ये कौन सी नेशन से रिलेटेड है, ये याद रखना है, भूटान। और पनामा कंट्री को हाल ही में 97th मेंबर बनाया गया, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो आप लोग ISA का हेडक्वार्टर मुझे बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे सिटी जरूर बताएं, ठीक। अब हम प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप अभी तक आप लोगों ने आंसर याद जरूर कर लिया होगा, आंसर है फ्रांस। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लॉन्च्ड विच पोर्टल टू रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट और स्पैम कॉल्स। तो ऑप्शंस देखिए, आंसर इज चक्षु। विच नेवल बेस हैज बीन कमीशन बाय द इंडियन नेवी टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो पहले ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, आंसर इज बी, INS जटायु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली रियावन लहसुन गॉट GI टैग, इट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो मैंने आसपास की डिस्ट्रिक्ट सी इसमें ऑप्शंस में दी हैं, आंसर इज बी, रतलाम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।